दशम श्रेणी पिलामानक पई इतिहास रो विषय जो द्वितीय अध्याय अछि स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन तार प्रथम पाठ होउजी ओडिया जातीयतार विकास केबे ओडिसा तार स्वाधीनता हराइला स्वाधीनता पाइला नुहे स्वाधीनता केबे हराइला केबे हराइला 1568 मसीहा तापर केबे इंग्रज माने ओडिसा अधिकार कले केबे कले 1803 रे केबे ख्रिश्चियन धर्म प्रचारक माने कटक रे एक हिताकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा कले केबे कले 1823 रे तापर केउठारे ख्रिश्चियन धर्म प्रचारक माने एक हिताधिकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा कले केउठारे कले केउठारे कले कटक रे कले केबे कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा जायथिला 1857 रे 6 नंबर क्वेश्चन केबे कटक जिला स्कूल इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाबे उन्नीत हैला केबे हैला 1867 केबे पूर्वरु इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाबे उन्नीत होइथिबा कटक जिला स्कूल कु स्नातक महाविद्यालय रूपे उन्नीत करा गला केबे करा गला 1876 केउठारे ओडिसार प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठित करा जाइथिला केउठारे करा जाइथिला कटक ठारे 8 नंबर कोठरे कटक ठारे 1866 मसीहारे कटक रे प्रकाशित उत्कल दीपिका संवादपत्र संपादक किए थिले गौरी शंकर राय तापर 10 नंबर क्वेश्चन 1868 मसीहारे प्रकाशित बोधदायिनी संपादक किए थिले फकीरमोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापति संपादन केउठारे संवाद बाहिका संवाद पत्र प्रकाशित होइथिला केउठारे होइथिला बालेश्वर रे केउठारे बालेश्वर 12 नंबर क्वेश्चन केबे फकीरमोहन सेनापति संपादन संवाद बाहिका संवाद पत्र प्रकाशित होइथिला केबे होइथिला 1868 माने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन केउ संवाद पत्र 1899 मसीहारे प्रकाशित होइथिला कोटा संबलपुर हैत श्रेणी हैला तापरे 13 नंबर गला 14 नंबर देखिबा 14 नंबर संबलपुर हैत श्रेणी संवाद पत्र रो संपादक किए थिले नीलमणि विद्यारत्न हैला तापरे इंग्रज माने अधिकार करिबा समय रे ओडिसा मुख्यतः केउ अंचल गुडी को नै शासित हेउथिला କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ ପୁରୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ସୀ କେଉଁ ଭାଷା ପାର୍ସୀ ଭାଷା ତାପରେ 1849 ମସିହାରେ କଟକର କଲେଜିଏଟ୍ର କେଉଁ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର 1849 ମସିହାରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର କେଉଁ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା କେଉଁ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କଟକଠାରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ 1882 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ସଭା ତାପରେ ଯିବା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ହିତବାହିନୀ ସଭା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସେୟାର କର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ